सो है गाइज, आप सभी ने इंस्टाग्राम पर इस तरह की अंडर वाटर रील्स वीडियो तो जरूर देखी होंगी। गाइज इस तरह की रील्स वीडियो बहुत जल्दी वायरल होती है इंस्टाग्राम पर। सो गाइज आप भी इस तरह की अंडर वाटर रील्स वीडियो एडिट करके अपनी आईडी पर अपलोड करेंगे तो गाइज आपकी रील्स भी वायरल हो सकती है। तो गाइज इस वीडियो में मैं आपको इस तरह की अंडर वाटर रील्स वीडियो एडिट करके बताने वाला हूँ। सो गाइज वीडियो को पूरा देखना, जिसमें गाइज मैं आपको चेतन भाई की इस अंडर वाटर रील्स वीडियो की एडिटिंग के बारे में फुल डिटेल में बताने वाला हूँ। सो गाइज आप भी चेतन भाई के जैसी अंडर वाटर वाली रील्स वीडियो एडिट करना चाहते हो तो गाइज वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, ठीक है गाइज। और गाइज कई दिनों से मैं रेगुलर वीडियोज अपलोड नहीं कर पा रहा था तो गाइज उसके लिए सॉरी। गाइज अब से आपके लिए रेगुलर वीडियोज आने वाली हैं एकदम न्यू। सो गाइज आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर हिट कर लीजिए। और गाइज जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो गाइज अंडर वाटर रील्स वीडियो को एडिट करने के लिए गाइज आपको VN ऐप में अपनी वीडियो को इंपोर्ट कर लेना है। सो गाइज मैं आपको इस वीडियो को एडिट करके बताने वाला हूँ, बट गाइज आपको अपनी वीडियो को अच्छे से एक्सप्रेशन दे के शूट करना है, जैसे इस वीडियो में चेतन भाई ने किया। सो गाइज अब आपको करना क्या है, अब गाइज आपको सिंपल इसमें एक अंडर वाटर वाली वीडियो को ऐड करना है, जिसको गाइज आप यूट्यूब से डाउनलोड कर सकते हो या आप गाइज पिक्सल से डाउनलोड कर सकते हो। और गाइज आपको यही वाला जो मैं यूज़ करूँगा यही वाला चाहिए तो गाइज उसका डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जितने मटेरियल यूज़ करूँगा उन सभी का डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, ठीक है गाइज आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद में गाइज अब आप करना क्या है, अब गाइज आपको इस वाली लेयर पर टैप करना है, वीडियो एंड फोटो पर जाना है और गाइज आपको इस वाली अंडर वाटर वाली वीडियो को ऐड कर लेना है। तो मैं गाइज इसको ऐड कर लेता हूँ। तो गाइज उसके बाद अब गाइज आप करना क्या है, अब गाइज आपको इसको फिल कर लेना है फुल स्क्रीन में और गाइज इसको आप अपने हिसाब से आपको एडजस्ट कर लेना है। तो मैं गाइज कुछ इस तरीके से इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। आपको जिस तरीके से रखना उस तरीके से आपको एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। तो मैं गाइज इतना एडजस्ट कर लेता हूँ। तो गाइज सिंपल इतना करने के बाद अब गाइज आपको करना क्या है, अब गाइज आपको इस मैन वाली लेयर पर टैप करना है और गाइज इसको आपको डुप्लीकेट करके और गाइज इसको आपको फॉरवर्ड कर देना है और फॉरवर्ड करके गाइज इसको आपको फर्स्ट में लेकर आ जाना है। देन गाइज इसको भी आपको फिल कर लेना है, ठीक है। आप फिल भी कर सकते हो या गाइज आप छोटा भी रख सकते हो, आपको अपनी मर्जी के हिसाब से रख लेना है जिस तरीके से आपको रखना है, ठीक है। तो गाइज मैं इसमें फिल ही करने वाला हूँ। तो गाइज फिल करने के बाद अब गाइज आपको करना क्या है, अब गाइज आपको इसकी आपको क्रोमा की कर लेनी है। तो मैं गाइज इसकी थोड़ी सी क्रोमा की कर लेता हूँ। आपका वीडियो कैसा है वो आपको देखना है गाइज, ठीक है। आप क्रोमा की से करोगे या ब्लेंडिंग से करोगे, तो मैं गाइज सिंपली क्रोमा की कर लेता हूँ इसकी। देन ओके पर प्रेस कर देता हूँ। क्रोमा की करने के बाद अब गाइज आपको करना क्या है, अब गाइज आपको सिंपल ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पर आना है, ठीक है गाइज। तो ब्लेंडिंग पर टैप करना है और गाइज इसमें से आपको सेलेक्ट करना है आपकी वीडियो में कौन सा अच्छा लग रहा है। तो गाइज इसमें मैं आप हार्ड वाला सेलेक्ट करने वाला हूँ, ठीक है गाइज। आपको अपनी वीडियो के हिसाब से देखना है, इनमें इसमें आपको काफ़ी ऑप्शन दिखाए जाएंगे, मल्टीपल भी है, कलर डोज भी है, लाइटिंग भी है, स्क्रीन पे जहाँ पे से आपकी सूटेबल लगे आपकी वीडियो वहाँ से आपको ऐड कर लेना है, ठीक है गाइज। तो गाइज अभी आप देख सकते हो तो गाइज कुछ इस तरीके से ये वीडियो आपकी बनकर तैयार होगी, ठीक है गाइज। अभी आप देख सकते हो गाइज इस तरीके कितनी ज़बरदस्त वीडियो लग रही है, ठीक है। और गाइज अब आप इस चेतन भाई की वीडियो में देखोगे तो गाइज इसमें आपको बबल्स दिखाई देंगे, ठीक है। जैसे ये सांस ले रहा है उसी हिसाब से बबल्स दिखाई दे रहे हैं, इस साइड से बबल दिखाई दे रहे हैं, इनको कैसे ऐड करना है। तो गाइज उसके लिए आपको फिर से इस वाली लेयर पर टैप करना है, वीडियो एंड फोटो पर जाना है और गाइज आपको इस वाली वीडियो को ऐड कर लेना है। इसका भी डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस बबल वाले का, ठीक है। अब गाइज आपको करना क्या है, अब गाइज आपको इसको क्रॉप कर लेना है, ठीक है। आपको देख लेना किधर से बबल चाहिए, ठीक है गाइज। इसमें आपको काफ़ी बबल दिखाई देंगे, आपको अपनी वीडियो के हिसाब से एडजस्ट करना है, ठीक है। तो मैं इसमें इधर इस कोने से ले लेता हूँ, ठीक है। देन डन पर क्लिक कर देना है और उसके बाद में अब गाइज आपको करना क्या है, अब गाइज इस बबल वाले को जैसे साइड से निकल रहा है चेतन भाई की में, ठीक है, आपको जहाँ भी इसको सेट करना है वहाँ आप इसको सेट कर लेना है और गाइज इसको आपको ब्लेंडिंग कर देना है, ठीक है गाइज। अब इसको आप देख लेना है इस कहाँ से आपका सही लग रहा है, ठीक है। इसको भी आपको अपने हिसाब से देख लेना गाइज, ठीक है। तो मैं गाइज इसकी स्क्रीन कर देता हूँ इसको, ठीक है, और इसकी ओपेसिटी को हल्का सा कम कर देता हूँ, ठीक है, और देन ओके पर प्रेस कर देना है। और उसके बाद में अब गाइज आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से ये बबल्स निकल कर आएंगे, ठीक है। तो गाइज कुछ इस तरीके से आप इन बबल को भी ऐड कर सकते हो, ठीक है गाइज। और गाइज इसमें चेतन भाई ने ये एनिमेशन भी कर रखा है इसमें,
ये चेयर वाला और ये गाइज इधर से फ़ोन वाला। तो गाइज इसको आप कैसे कर सकते हो, तो गाइज उसके लिए आपको करना क्या है, आपको एक फ़ोन का PNG डाउनलोड कर लेना है और ऐसे चेयर डाउनलोड कर लिया। आपको जो भी ऑब्जेक्ट चाहिए उस ऑब्जेक्ट को आपको गूगल से डाउनलोड कर लेना है और उसको गाइज सिंपल आपको यहाँ पर टैप करके और गाइज वीडियो एंड फोटो पर जाकर और गाइज उसको ऐड कर लेना है। तो मैं गाइज इसमें चेयर को ही ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। सिंपल प्रोसेस है, दोनों चीज़ों को आप इसी तरीके से एनिमेशन कर सकते हो। तो गाइज अब इसको एनिमेशन कैसे करना है, तो गाइज पहले तो आपको इसको देख लेना कितने में लगाना। तो मैं गाइज इसमें यहाँ तक लगाने वाला हूँ, ठीक। उसके हिसाब से आपको गाइज इसको बड़ा कर लेना है इस वाले लेयर को। अब गाइज आपको करना क्या है, अब गाइज आपको इसको छोटा कर लेना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। आपको अपने हिसाब से देख लेना कितना रखना है। और गाइज उसके बाद आपको इसको भी ब्लेंडिंग करना है, तो गाइज ब्लेंडिंग वाले पर टैप करना है और गाइज इसको आपको देख लेना आपको क्या रखना है। तो मैं गाइज इसको स्क्रीन कर लेता हूँ, देन ओके पर प्रेस कर देता हूँ। उसके बाद में अब गाइज आपको करना क्या है, तो अब गाइज इसको आपको थोड़ा सा हल्का सा बड़ा कर लेता हूँ मैं और गाइज इसको आपको इधर साइड में रख देना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद में गाइज फर्स्ट में आ जाना है, ठीक है। और फर्स्ट में आने के बाद आपको गाइज यहाँ पर की फ्रेम वाला ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको टैप करना है, ठीक है। और उसके बाद में आपको गाइज लास्ट वाले पॉइंट पर आना है कुछ इस तरीके से, और गाइज यहाँ पर भी आपको एक की फ्रेम दे देना है, ठीक है गाइज। उसके बाद अब गाइज आपको करना क्या है, अब गाइज आपको सिंपल इसको इधर लाना खिसका करके, ठीक है। और गाइज इसको इधर ला करके और गाइज इसको आपको रोटेट कर देना है कुछ इस तरीके से, और गाइज इसको आपको इधर साइड में धकेल देना है। उसके बाद में अब मैं गाइज आपको प्ले करके दिखाता हूँ कुछ इस तरीके से आएगा ये, ठीक गाइज कुछ इस तरीके से प्ले होकर आएगी, ये देखो गाइज, ठीक इस तरीके से एनिमेशन होकर आएगा। तो गाइज सिंपल आप इस तरीके से एनिमेशन दे सकते हो अपनी वीडियो में, ठीक गाइज। सो गाइज आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।